की शुरुआत में हमें चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बनाई जाती थी और इस फैक्ट्री के ओनर का नाम विली वोंका था। विली वोंका रैंडमली 5 चॉकलेट्स के पैकेट्स में गोल्डन टिकट्स को छुपा देता है और सभी चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। अब जिस किसी को भी वो गोल्डन टिकट्स मिलेंगी उसे खास किस्म का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है एक छोटे बच्चे पर जिसका नाम चार्ली होता है और चार्ली की फैमिली काफी गरीब थी। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो बड़ी ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे और उनका घर भी ऐसा था जिसको देखने से ऐसा लगता था कि वो कभी भी गिर जाएगा। कुछ ही देर के बाद चार्ली के फादर घर आते हैं जो कि टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे और वो चार्ली के लिए कुछ टूथपेस्ट के ढक्कन लाए होते हैं जिन्हें देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि चार्ली उन ढक्कन की मदद से विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। तभी देखकर चार्ली के दादाजी उसे बताते हैं कि मैं भी पहले विली वोंका की फैक्ट्री में काम किया करता था और आज से तकरीबन 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की तकरीबन सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई, यानी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री से वो 60 गुना बड़ी थी। अब इसी चीज से इम्प्रेस होकर इंडिया के एक प्रिंस ने विली वोंका को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर दिया। अब विली वोंका ने बिल्कुल ऐसा ही किया, यानी उसने उनके कहने के मुताबिक चॉकलेट का महल बना ही दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने इस बारे में प्रिंस को ये भी बताया कि ये महल ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और चॉकलेट का ये महल मेल्ट हो सकता है। लेकिन वो प्रिंस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर हम दूसरे ही दिन देखते हैं कि काफी तेज धूप निकलती है, यानी आज काफी गर्मी होती है जिसकी वजह से चॉकलेट का वो पूरा महल पिघल जाता है। फिर विली वोंका जब अपनी फैक्ट्री में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में एक जासूस आके घुस गया था और इस जासूस को दूसरी चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर्स ने भेजा था ताकि वो विली वोंका की सीक्रेट रेसिपी को चुरा ले जिसके जरिए वो चॉकलेट्स बनाता है और वो बाकी ओनर्स इस चीज में कामयाब ही रहे उस जासूस के जरिए। और अगले ही दिन सभी चॉकलेट्स कंपनियां विली वोंका की रेसिपी को चुरा कर उसकी सभी मशहूर चॉकलेट्स बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। अब विली वोंका को इस बात पर काफी दुख भी होता है, साथ ही साथ उसे काफी शॉक भी लगता है और वो अपने सारे स्टाफ को निकाल देता है बगैर उन्हें कोई वजह बताई और गुस्से में आकर फैक्ट्री बंद कर देता है। फिर कुछ सालों बाद विली वोंका दोबारा से अपनी चॉकलेट फैक्ट्री को ओपन करता है और इस बार भी विली वोंका वही करता है जो कि उसने मूवी के स्टार्ट में किया था, यानी कि वो 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट्स रख देता है। इसके बाद ऐलान किया जाता है कि जिन 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट्स मिलेंगे उनमें से एक बच्चे को बहुत ही खास तोहफा मिलेगा। अब पूरी दुनिया में उन चॉकलेट्स को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बनने लगती है और उधर हम देखते हैं चार्ली को जिसका आज बर्थडे होता है। इसी वजह से उसकी फैमिली चार्ली के लिए एक विली वोंका चॉकलेट लेने का फैसला करते हैं इस उम्मीद में कि शायद उस चॉकलेट में से वो गोल्डन टिकट निकल जाए जिससे उन्हें वो खास तोहफा मिले और उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। उन गोल्डन टिकट्स में से सबसे पहला टिकट जिस बच्चे का निकलता है वो काफी मोटा होता है, दूसरा टिकट जिस बच्चे का निकलता है उसकी फैमिली काफी अमीर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्ची काफी जिद्दी होती है और इसीलिए उसके फादर ने उसकी जिद की वजह से अपने स्टाफ से विली वोंका चॉकलेट के हजारों पैकेट खुलवाए और तभी उनमें से एक में वो गोल्डन टिकट निकला था। फिर चार्ली के पेरेंट्स भी चार्ली के लिए एक विली वोंका चॉकलेट लेकर आते हैं और तब चार्ली बड़ी उम्मीद से उस चॉकलेट को खोलता है लेकिन इसमें से वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता और तब इस बात से चार्ली काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। लेकिन वो अपना दुख किसी को दिखाता नहीं बल्कि वो उस चॉकलेट को अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर करके खाता है, काफी इंजॉय करता है। तीसरी गोल्डन टिकट एक ऐसी बच्ची की निकलती है जो कि चैंपियन होती है अपने स्कूल की, साथ ही साथ उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ था। चौथा गोल्डन टिकट एक ऐसे बच्चे का होता है जो वैसे तो काफी बदतमीज होता है लेकिन वो समझदार भी था क्योंकि उसने अपनी कैलकुलेशन से ही पता लगवा लिया था कि वो गोल्डन टिकट किस पैकेट में होगा। अब यहाँ इस बच्चे को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी इसीलिए उसने विली वोंका की अभी तक कोई भी चॉकलेट नहीं खाई थी। उधर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में चॉकलेट्स की सेल बढ़ने की वजह से टूथपेस्ट की डिमांड भी बढ़ने लगी, इसी वजह से उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबको ही निकाल दिया जॉब से ताकि उनकी जगह रोबोट्स को लाया जा सके। अब क्योंकि चार्ली के घर में कमाने वाले सिर्फ उसके फादर ही थे तो आज उनका ये एक जरिया भी खत्म हो जाता है और अब उनका घर चलाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन चार्ली के फादर ये बात अपने घर में किसी को भी नहीं बताते। फिर चार्ली के दादाजी चार्ली को कुछ पैसे देते हैं जो कि उन्होंने अपने पास जोड़ के रखे हुए थे और वो चार्ली को फिर से विली वोंका चॉकलेट को लाने के लिए कहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अब उनकी किस्मत खुल जाए। और तब चार्ली ऐसे करता है, वो फिर से वही चॉकलेट लेकर आता है और यहाँ वो दोनों बड़ी उम्मीद से चॉकलेट का वो पैकेट खोलते हैं लेकिन इस बार भी उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलता। इसलिए चार्ली उदास होकर घर से बाहर आ जाता है और तब उसे एक शॉप के बाहर से एक नोट मिलता है और उन पैसों से चार्ली फिर से वही चॉकलेट खरीदता है। और अब जैसे ही वो उस पैकेट को खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता क्योंकि अब की बार उसका गोल्डन टिकट निकल गया था। चार्ली के आसपास खड़े हुए सारे लोग उस गोल्डन टिकट को देखने लगते हैं और उसे खरीदने के लिए वो चार्ली को बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं लेकिन शॉप ओनर चार्ली की भलाई
वो फौरन उठकर डांस करने लगते हैं। फिर वो उस गोल्डन टिकट को अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे पढ़कर तो सुनाओ इसमें क्या लिखा है। तब उनका बेटा उन्हें बताता है कि इस पर लिखा है कि बच्चे के साथ उसकी फैमिली का कोई एक बड़ा आ सकता है और जब ये लोग अपना इनाम लेने के लिए जाएंगे तो इन्हें चॉकलेट का एक भरा हुआ ट्रक देकर भेजा जाएगा। यानी कि वो इतनी ज्यादा चॉकलेट होगी कि अगर इंसान उसे खाता भी रहे तो फिर भी उसकी पूरी जिंदगी में वो चॉकलेट खत्म ना हो और पांचों में से एक बच्चे को एक खास किस्म का तोहफा दिया जाएगा। यानी कि ऐसा तोहफा जो उसने कभी भी नहीं सोचा होगा। चार्ली के दादाजी यहाँ पर कहते हैं कि मैं जाऊँगा चार्ली के साथ क्योंकि वो चार्ली के साथ जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। यहाँ पर चार्ली अपनी फैमिली को बताता है कि मुझे एक औरत ने इस टिकट के बदले में बहुत सारे पैसों की ऑफर की थी और वो पैसे लेने के बाद हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तब ये सुनकर चार्ली के दादाजी उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा पैसा तो सभी के पास होता है लेकिन ये जो गोल्डन टिकट है ना ये अनमोल है जो सिर्फ पूरी दुनिया के सिर्फ पांच खुश नसीब लोगों के पास ही है। और तब ये सुनकर चार्ली मान जाता है। फिर अगले दिन पांचों बच्चे अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाते हैं। अब उनके अलावा वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे वो सब कुछ देखने के लिए। फिर गेट खुलता है और अंदर से आवाज आती है आपका वेलकम प्लीज अंदर आइए। और तब ये सुनकर वो सारे अंदर जाते हैं। उनके अंदर आते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। इन सभी लोगों का एक बड़ा अच्छा सा वेलकम किया जाता है एक गाने के साथ और ये गाना विली वोंका पर ही बना हुआ था। इसके बाद विली वोंका खुद उनके सामने आता है। यहाँ सारे बच्चे विली वोंका से अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं जिनका जवाब विली वोंका भी बड़े ही अजीब तरीके से देता है। फिर विली वोंका खुद भी उनका वेलकम करता है फैक्ट्री के अंदर। फिर इसके बाद उन सभी को बताता है कि इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चॉकलेट से बनी हुई हैं। यानी कि घास वाटरफॉल पहाड़ और तालाब भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं और यहाँ पर किसी भी चीज को खा सकते हैं। तभी सुनकर वो सारे बच्चे इधर उधर फैल जाते हैं और तभी उनमें से उस जिद्दी बच्चे को वहाँ पर एक बोना दिखाई देता है और वो इसके बारे में विली वोंका से पूछती है। तो वो उन्हें बताता है कि एक दिन मैं चॉकलेट के नए फ्लेवर्स को तलाश करने के लिए जंगल में गया था और वहाँ के जो ट्रीज थे वहाँ पर इन बोनों का पूरा कबीला रहा करता था और इन बोनों के पास बहुत सारी कोको होती है। इसीलिए विली वोंका कोको हासिल करने के लिए उनके कबीले के लीडर को ये ऑफर देता है कि अगर आपने मुझे कोको लेने दिया तो मैं आपको अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने का मौका दूंगा जहाँ पर आप सारे लोग बड़े आराम से रह सकते हैं मजे मजे की चॉकलेट्स खा सकते हैं। इसी दौरान वो मोटा बच्चा चॉकलेट पीने के लिए चॉकलेट के तालाब में जाता है लेकिन तभी गलती से वो उसमें गिर जाता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर एक काफी बड़ी मशीन आ जाती है और इस मशीन के जरिए ही चॉकलेट को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता था। अब जिस पाइप के जरिए चॉकलेट जा रही होती है इसी पाइप में वो मोटा बच्चा भी फंस जाता है और तभी यहाँ पर विली वोंका के सारे एम्प्लॉयज उस मोटे बच्चे के लिए गाना गाने लगते हैं और तभी देखकर वहाँ पर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन्हें कैसे पता था कि मोटा बच्चा इस पाइप में फंस जाएगा। अब उस मोटे बच्चे को फंसा हुआ देखकर उसकी मदर को उसकी काफी फिक्र होने लगती है। फिर विली वोंका अपने एम्प्लॉयज को बताता है कि उस बच्चे की मदर फैक्ट्री के अंदर जाना चाह रही है तो तुम इन्हें वहाँ ले जाओ। इसीलिए उस मोटे बच्चे की मदर वहाँ अंदर चली जाती है और बाकी लोग विली वोंका के साथ आगे के टूर पर चले जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें चॉकलेट की नदी में एक बोट दिखाई देती है और उस बोट में ये सारे बैठकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। इसी दौरान विली वोंका नदी से चॉकलेट निकाल कर चार्ली को टेस्ट करने के लिए देता है और तब चार्ली चॉकलेट को टेस्ट करते हुए विली वोंका से पूछता है कि आपने अपनी जिंदगी की पहली चॉकलेट कब खाई थी। और तब विली वोंका इस बात को बताते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। वो बताता है कि मेरे फादर पूरे शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे और वो हर हेलोवीन पर मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाया करते थे। मेरे फादर ने मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगाए हुए थे ताकि चॉकलेट्स खाने की वजह से मेरे दांत खराब ना हो। मेरे फादर मेरे सारे चॉकलेट्स को आग में फेंक दिया करते थे। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आते हैं। इसी जर्नी में उनके सामने बहुत सारे नए नए रूम्स आते हैं। फिर वो फाइनली विली वोंका के फेवरेट रूम में पहुंचते हैं और ये रूम होता है इन्वेंटिंग रूम। यहाँ पर एक नई किस्म की बबल गम को बनाया जा रहा था। फिर विली वोंका उनको बताता है कि इस बबल गम में टोटल 3 फ्लेवर्स हैं लेकिन अभी भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, अभी मुझे इसमें कमियां लग रही है। और तब विली वोंका की पूरी बात सुने बगैर वो चैंपियन बच्ची उस बबल गम को खा लेती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लूबेरी की तरह नीली पड़ने लगती है। तब यहाँ पर विली वोंका के एम्प्लॉयज एक बार फिर से गाना गाने लगते हैं लेकिन उस बच्ची की मदर परेशान हो जाती है। यहाँ विली वोंका मजाक करते हुए अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि ये बच्ची ब्लूबेरी बन चुकी है और इसका जूस ज्यादा हो गया है और इसी वजह से उसे यहाँ से निकाल लो। तब उस बच्ची की मदर
सब कुछ कैसे शुरू किया। और तब यहाँ पर विली वोंका बताता है कि मेरे फादर ने मुझे चॉकलेट्स खाने के लिए मना किया था, लेकिन मैं तो चॉकलेट लवर था, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर प्रेजेंट टाइम में वे टीवी रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले सारे लोग उस चॉकलेट को खा भी सकते थे। अब उसकी इस बात पर समझदार बच्चा यकीन नहीं करता, इसीलिए वो उस मशीन में जाकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी से वो गायब हो जाता है और फौरन ही टीवी के अंदर पहुंच जाता है, और इस वजह से उसका साइज भी काफी छोटा हो गया था। और तब यहाँ एक बार फिर से विली वोंका के एम्प्लॉयज गाना गाने लगते हैं, और ये गाना उसे समझदार बच्चे पर बनाया गया था। फिर उस बच्चे के फादर उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन उस बच्चे का साइज अभी भी काफी छोटा था, इसीलिए उसके फादर विली वोंका से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, आखिर ये बड़ा कैसे होगा। तो विली वोंका अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि इन्हें फौरन स्ट्रेच रूम में ले जाओ, यानी जहां इसे खींचकर बड़ा कर दिया जाएगा। और यहां पर विली वोंका देखता है कि अब सिर्फ चार्ली ही बचा है और बाकी बच्चे अपनी अपनी बेवकूफियों की वजह से यहां से जा चुके हैं, यानी कि चार्ली ही विनर है और उस इनाम का हकदार है। फिर विली वोंका उन्हें एक बार फिर से एक लिफ्ट में लेकर जाता है, फिर वो एक अप एंड डाउन बटन को प्रेस करता है, जिससे वो लिफ्ट फैक्ट्री से निकलकर काफी ऊपर चली जाती है, जहां पर वो देखते हैं कि वो चारों बच्चे काफी बुरी हालत में वापस जा रहे हैं। फिर चार्ली इस सब के बारे में विली से पूछता है, और तब विली वोंका ये सारी बात बताने के लिए लिफ्ट के जरिए चार्ली के घर पर पहुंच जाता है। वो चार्ली के घर की छत तोड़कर अंदर पहुंच जाता है। यहाँ चार्ली के पेरेंट्स चार्ली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ विली वोंका चार्ली से कहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा एक बाल सफेद हो चुका है, बाकी भी हो जाएंगे, और जिसकी वजह से मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इसीलिए विली वोंका चार्ली को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली विली वोंका के इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली मुझे सबसे प्यारी है, मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तब इस बात पर अपसेट होते हुए विली वोंका वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ली के फादर को फिर से टूथपेस्ट कंपनी में जॉब मिल जाती है, और अब यहाँ पर चार्ली की फैमिली पहले से काफी बेटर हो जाती है। उधर हम देखते हैं विली वोंका को, जो कि काफी परेशान होता है, इसी वजह से उसे फौरन एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो फिर से चार्ली के पास जाता है। वो अपना चेहरा छुपाकर चार्ली से पूछता है कि क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है, जिस पर चार्ली कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, उनके बाल काफी अजीब से हैं। तब ये सुनकर विली वोंका अपना चेहरा उसे दिखाते हुए बोलता है, चार्ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ वो दोबारा से चार्ली को ऑफर देता है, लेकिन चार्ली एक बार फिर से उसे मना कर देता है, और वो विली वोंका से पूछता है कि क्या आप अपने फादर से कभी मिलने गए हैं। इसके फौरन बाद वो दोनों उसी लिफ्ट में सवार होकर विली वोंका के फादर के घर के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ विली के फादर उसे पेशेंट समझ रहे थे, इसी वजह से वो उसे अंदर ले जाते हैं और उसके दांतों को चेक कर